नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। लोगों के पास अपनी स्त्री को भूलकर भी ना छोड़े। प्रिय दर्शकों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़ी रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। उस सेठ के घर में एक वट वृक्ष था जिसमें एक बूढ़ी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सेठ और सेठ की पत्नी उस चिड़िया का खूब ध्यान रखते, चिड़िया को हर रोज दाना पानी देते और उसे खूब प्यार करते। सेठ के घर में कई पुरुष नौकर चाकर थे और सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए नगर से बाहर जाता रहता था। एक दिन चिड़िया सेठ से कहती है कि सेठ जी, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठ कहता है कि चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब चिड़िया कहती है कि सेठ जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तब सेठ कहता है कि ठीक है चिड़िया, तुम कहानी सुनाओ। तब चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इन बातों को याद रखिएगा। चिड़िया कहानी शुरू करती है। चिड़िया कहती है, किसी राज्य में महाराज वीर प्रताप राज करते थे। राजा प्रताप कुछ सनकी किस्म का राजा था। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा प्रताप साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे साधु महाराज, आप बहुत पहुँचे हुए मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यही बात सोचकर राजा को पुत्री के नाम से नफरत होने लगी। उसने अपनी रानी से आकर के यह बात कही कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। चिड़िया आगे कहती है कि सेठ जी, राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह उसे मरवा सकता है। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान की कृपा से महाराज प्रताप की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री नहीं हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चे का जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते राजा अपनी रानी से कह गया कि यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, मैं बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता। चिड़िया आगे कहती है कि इतना कहकर राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हो गया। गया बेटी को देखकर रानी घबरा गई। सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। यह निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मुझे बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देख करके रानी एकदम से रोने लगी
और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है, पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की दाई पूछने लगी, हे रानी, घर में पुत्री हुई है, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हो, इसका क्या कारण है? रानी बोली, है दाई, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दाई को पूरी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है, अब आप ही बताइए कि मैं अबोध बच्ची की जान कैसे ले लूं। तब दाई ने रानी से कहा, है रानी, तुम चिंता मत करो, तुम राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है, मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूँ, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं बल्कि इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है, इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। अब तो यह सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई, सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो बनी रहेगी। तब रानी ने बड़े मन से कुछ आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए उस दाई को दे दिए और दाई से रानी ने कहा, है दाई माँ, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी, जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। चिड़िया आगे कहती है कि इतना समझाने के बाद रानी ने अपनी उस बेटी को दाई के हवाले सौंप दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि दाई ने ले जाकर उस बच्ची को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। इधर क्या हुआ कि उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उस बेटी का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा प्रताप अपने राजमहल में लौटकर आया तो राजा को भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफना दिया। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो दाई उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देख कर के रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दाई उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। कन्या को देख कर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वह उस दाई को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तो धीरे धीरे करके वह बेटी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वह जवान होती चली गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था, एक गरीब दाई के घर में हुआ था, पर फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह सुंदर यवन से संपन्न हो गई। जब वह जवान हो गई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दाई के घर में ही रहती थी। प्रिय दर्शकों, आगे चिड़िया कहती है कि एक दिन राजा प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी उस दाई के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर स्नान करने के बाद अपने केशों को सुखा रही थी। रूपवती तो वो थी ही, उस समय तो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। हाथी पर बैठे राजा प्रताप की अचानक उस कन्या पर नजर चली गई। उस कन्या को देखकर राजा को बिजली जैसा झटका लगा, क्योंकि वह नव युवती थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया है, अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। प्रिय दर्शकों, रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वह लड़की बहुत सुंदर है, उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है, उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर आप उस बूढ़ी औरत के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए।
प्रिय दर्शकों, उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और सारी बात उस दाई को बताता है कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शशों को सुनने के बाद में दाई के एकदम से होश उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी है, भगवान यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है, आखिर अब मैं क्या करूं, यह कन्या तो उसी राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता है। अब उसी समय उस इनकार करते हुए कहा, भाई मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आना। मंत्री ने हाँ है, माँ तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो, तुझे तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं तेरी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हार कर मंत्री वापस चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वह बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि सेठ जी, इस बार राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर भेजा और उनके द्वारा हजारों तरह के लालच दिए, उसे डराया धमकाया भी, परंतु वह बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। बुढ़िया का हट देखकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ये हुक्म दे दिया कि उस बूढ़ी औरत को पकड़कर हमारे दरबार में लेकर जल्दी से जल्दी आओ। तब राजा का आदेश पाने के बाद में राजा के सिपाही तुरंत ही दौड़े दौड़े गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार को वह स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोनों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चीख कर गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के ये दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़े पाप की बात हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, दाई की बात सुनकर राजा चकित रहे गया। उसने अपना माथा पीटा और सोचने लगा है, भगवान मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था, तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा प्रताप को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटा अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सर काट देना और इसे वही दफना देना। प्रमाण के लिए तुम इसकी दोनों आँखें निकाल कर मुझे लाकर दिखाना। प्रिय दर्शकों, उस राजा का एक बेटा था जो उस लड़की से बड़ा था। अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद में राजकुमार जो था वह एकदम से परेशान हो गया। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों मार डालूं। भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे ना कराओ। अब तो राजकुमार सोच सोच कर बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूंगा, किस तरह मैं अपनी बहन की आंखें निकलूंगा। यदि मैं बहन का कत्ल करने से मना करता हूं तो राजा बहुत बड़ा जिद्दी है, वह मुझसे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। प्रिय दर्शकों, अब तो मजबूर होकर के राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही था। उसके पिता का जो आदेश था बहन को जंगल में ले जाते समय, अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा, बहन किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ देता हूं। अब आगे तुम्हारी किस्मत रही कि वह तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया तुम मुझे मार दो और मारकर मेरी आंखें निकाल कर पिताश्री को ले जाकर दिखा दो, और यदि तू मेरी आंखें निकाल कर के नहीं ले जाएगा तो हमारा पिता तुझे भी मार देगा। प्रिय दर्शकों, उस समय वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर बहुत रो रहे थे।
उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा, उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़े जा रहा हूं, आगे भगवान मालिक है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई नाना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कह करके उसने अपनी बहन को वही जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद वह अपने पिता के समक्ष पहुंचा और वही हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देख कर के राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा क्या तू सच में अपनी बहन को मार कर आया है। तब राजकुमार कहता है, हे माँ मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूँ। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी, तुम उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर लगा देना कि उसके जीवन की नया पार हो जाए। जब उसे जन्म दिया है तो वह अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त तो हो। प्रिय दर्शकों, इधर राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे करके अपना गुजारा करने लगी। पेड़ पत्थर और कटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्ध नग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत चुके थे। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं बचा। वह वृक्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। जैसे ही उसके कानों में घोड़े की आवाज पहुंची तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। सहयोग से राजा उसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नज़र उन झाड़ियों के बीच गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा ने फौरन आवाज लगा, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो। तुम जो भी हो फौरन बाहर निकलकर आओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा। उंग राजा की बात सुनकर झाड़ियों के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, है रागीर मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूँ, मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, किसी स्त्री की आवाज सुनकर राजा आश्चर्यचकित था कि इस जंगल के बीच में भला यह स्त्री क्या कर रही है। जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने जो चादर अपने गले में डाले था उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन को उस चादर से अच्छी तरह से ढका और उसके बाद वह राजा चंद्रभान के सामने आई। राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। सोचने लगा, वह इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी है। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है। यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, है सुंदरी तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा की बात सुनने के बाद में वह राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती है। कहते हैं दो को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहाँ तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। चिड़िया आगे कहती है कि सेठ जी, इसके बाद राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में आया तो सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और उससे कहा कि हे काका, आप ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं ऐसे अपने महल में इसे ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा किसी को कन्या को भगा लाया है। इससे मेरी
मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी। मैं इससे विधि विधान के अनुसार विवाह करके इसे अपने घर ले जाना चाहता हूं। तब तक यह तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे ब्याह कर ले जाना, मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। प्रिय दर्शकों, अगले दिन राजा का सेनापति और उसका मंत्री उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद एक दो दिन में उसकी मंगनी और विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्र की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते दो वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। जब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कार लगा। उसके बाद रानी से बोला कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? प्रिय दर्शकों, उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा प्रताप के यहाँ जाने का निश्चय किया। रथ सजवा गया, जाने की पूरी तैयारी हो गई। तभी राजा के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को बहुत जरूरी अपने दूसरे शहर में जाना था तो राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कह दिया कि तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ, मैं अपना काम निपटा कर वहीं पहुँच जाऊँगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार राजा चंद्रभान ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ में अपनी रानी और बच्चों को राजा प्रताप के राज यको रवाना कर दिया। रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहाँ जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले तुम्हारे माता पिता के यहाँ पहुँच जाऊँगा। प्रिय दर्शकों, इधर राजा चंद्रभान का मंत्री और सेनापति कुछ सेना को साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा प्रताप के राज्य की तरफ चल पड़े। राजा चंद्रभान के राज्य से राजा प्रताप का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। एक जगह पर उन्होंने अपने डेरा तंबू जमा दिए। रात भर वही रुकने का निश्चय किया। प्रिय दर्शकों, जहां पर राजकुमारी का डेरा लगाया गया था उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। ठीक उसके बराबर में मंत्री का डेरा देख कर के राजकुमारी ने जवाब दिया, है मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी? तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? तुम अपना डेरा ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने जवाब दिया, है रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देख के लिए भेजा है। यदि आपको और आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम राजा को क्या जवाब देंगे? प्रिय दर्शकों, इधर राजकुमारी के बार बार मना करने पर मंत्री बिल्कुल नहीं माना। फिर क्या हुआ, इधर शाम को सबने खाना खाया। रात्रि का समय हो गया। सभी लोग पैदल यात्रा चलकर आए थे, हारे थके
होने के कारण वे सब जल्दी ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री जो था राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा तो तुरंत ही एकदम से राजकुमारी उठकर बैठ गई। वह मंत्री की बुरी मनसा को भांप गई थी। अब तो राजकुमारी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार का जरूर खोट है। जैसे ही मंत्री को राजकुमारी ने अपने डेरे में देखा तो एकदम से ललकार कर बोली, खबरदार, जो मुझे छुआ तो डेरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। रानी ने मंत्री को बार बार डेरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने कोई बात नहीं मानी। मंत्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही चला गया। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, है दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम यह क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। प्रिय दर्शकों, उस राजकुमारी की बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय पर राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद में राजकुमारी ने मंत्री को भगवान और बेटे की दोहाई दी, कसम दी, लेकिन वह पीछे लौटने के लिए मंजूर नहीं हुआ। उस मंत्री के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह वासना में अंधा हो चुका था। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद में राजकुमारी तुरंत ही समझ गई कि यह दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा। तो अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने कुछ नरम रुख अपनाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद में जो तुम्हारे मन में हो वह तुम कर लेना। इतना कहने के बाद में रानी उस डेरे से बाहर निकल गई और वहाँ से भागकर जंगल में चली गई। सुबह होने तक रानी झाड़ियों में छुपी रही और जब वह सुबह होने पर लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने क्या देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखने के बाद में अब तो रानी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उस शैतान के सामने वो बेबस थी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए वह उनके साथ आगे को चल पड़ी। चलते चलते जब वह शाम के होने पर एक जगह पर और रुके, अब तो दूसरी रात के लिए अगला डेरा डाला गया, तो राजकुमारी के डेरे के पास में सेनापति ने अपना डेरा लगाया। तब राजकुमारी ने उस सेनापति को बुलाकर कहा कि तुम अपने डेरे को यहाँ से दूर हटा करके लगवा हो। तब सेनापति ने जवाब दिया, है राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी उस सेनापति ने अपने डेरे को वहां से दूर नहीं लगाया। प्रिय दर्शकों, अब तो राजकुमारी को सब समझ में आ चुका था। इस चिंता को लेकर राजकुमारी पूरी रात सोई नहीं। जैसे ही आधी रात होती है तब उसी समय पर सेनापति के दिमाग में वासना का शैतान घुस जाता है। वह राजकुमारी के डेरे में रात्रि के समय में प्रवेश कर गया तो राजकुमारी ने उस सेनापति को भी ललकार कर कहा कि हे सेनापति, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम्हें पता होना चाहिए मैं एक राजा की पत्नी हूँ, राजा की बेटी भी हूँ। यह सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो। तुम तुरंत ही मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। प्रिय दर्शकों, वह दुष्ट सेनापति कहाँ मानने वाला था। उसके हृदय में तो काम वासना उत्पन्न हो गई थी। वह तो काम वासना के चक्कर में अंधा हो चुका था। इसीलिए राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने राजकुमारी की एक नहीं मानी। जब वह रानी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे बटे को उस सेनापति के सामने खड़ा कर दिया और उसकी कसम दी कि तुझे मेरे बेटे की कसम है, यदि तुमने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली भी तो। राजकुमारी के इन शब्दों को सुनने के बाद में उस सेनापति ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उस छोटे से बेटे का सर काट करके अलग कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सिर कट गया। तब उसी समय पर राजकुमारी ने कहा, है सेनापति, तुम थोड़ा सा रुको, मैं अभी आती, उसके बाद में जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम मेरे साथ कर लेना। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि सेठ जी, अब तो राजकुमारी वहां से भाग निकली और भागते भागते वह जंगल में चली गई। आगे जाकर उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। अब तो राजकुमारी ने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब मेरी संतान ही नहीं रही, मेरे बच्चे ही नहीं
रहे तो फिर ऐसे में मैं जी कर क्या करूंगी, ऐसा निश्चय करके वह मरने के उद्देश्य से नदी में कूद गई। परंतु पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव उसे एकदम खींच ले गया। जंगल के एक छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। नदी में बहते बहते वह जंगल के उसी किनारे पर जाकर लगी। सुबह हो चुकी थी। वहां पर दो सन्यासी महात्मा उसी नदी में अपने गुरु के वस्त्र धोने के लिए आए थे। उसी समय सन्यासी महात्माओं ने देखा कि कोई औरत इस नदी में बहते हुए हमारी तरफ आ रही है, तो उन दोनों योगियों ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल लिया। प्रिय दर्शकों, अब तो राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी कि उस मंत्री और सेनापति से मुझे जैसे तैसे छुटकारा तो मिल गया, अब यहाँ से इन दो योगियों ने मुझे घेर लिया है। जैसे ही दो योगियों ने राजकुमारी को पकड़ा, तब तक चार सन्यासी महात्मा और आप पहुँचे। अब तो राजकुमारी और भी ज्यादा डर गई। सोचने लगी, अब तो मैं यहाँ पर और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, अब क्या होगा। प्रिय दर्शकों, वरानी इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देख लेता था वह पागल हो जाता था। अब तो वह महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, यह राजकुमारी मेरी है, यह मेरी है। आखिर अंत में संत महात्माओं ने यह सोचा कि ऐसे तो हम छह में कोई फैसला नहीं हो पाएगा, हम अपने गुरुजी के पास में इस राजकुमारी को लेकर चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। प्रिय दर्शकों, अपने गुरुजी के पास पहुंचने के बाद में उन योगियों ने राजकुमारी को देखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखा तो गुरु समझाने लगे, मित्रों जो योगियों के जो गुरु थे वह बड़े ही विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस औरत को देखते ही समझ लिया कि यह स्त्री जो है यह कोई राज घराने से है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि हे शिष्य, तुम छह भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है, है तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम पर रहेगी तो एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर उनके समझ में आ गया और उन्होंने रानी को अपनी बहन बना लिया। प्रिय दर्शकों, वह साधु उसके ही पिता राजा प्रताप के राज्य में रहते थे। अब तो उस राजकुमारी को पता चल चुका था कि वह अपने बाप के राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ के राजा उसके पिता प्रताप है। रानी उन्हीं महात्माओं के आश्रम पर रहने लगी। वे छह महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे सेठ जी, उधर राजा चंद्रभान अपने मंत्री और सेनापति और सेना से आकर मिला तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वहाँ पर नहीं देखा। आकर के राजा ने सेनापति और मंत्री से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो मंत्री और सेनापति एक साथ एक स्वर में मिलकर बोलने लगे है, महाराज मुझे क्षमा करना, आपकी रानी रानी नहीं थी, वह तो एक दायन थी। अब आपके दोनों पुत्रों को मारने के बाद में वह रानी यहाँ से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजा चंद्रभान को विश्वास हो गया, सोच कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा दूसरा क्यों बोलेगा। तो राजा चंद्रभान ने हुक्म दिया कि अब तो हम उसके पिता राजा प्रताप के पास जरूर जाएंगे। अतिशीघ्र सब लोग राजा प्रताप के पास चलिए। उधर तो राजा चंद्रभान अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। इधर राजकुमारी ने अपने छह भाइयों से कहा, जो उस समय योगी के रूप में थे, कि हे भाइयों, तुम सभी राजा के पास में जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में किस्सा सुनाना चाहती है। यदि राजा साहब किस्सा सुनना चाहो तो हम उन्हें दरबार में बुलाकर लाए, क्योंकि इधर राजकुमारी को पता था कि हमारे पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब तो छह योगी भिक्षा के बहाने राजा वीर भोज के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी के द्वारा ही बात राजा के सम्मुख जाकर के रखी। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें इजाजत दे दी। प्रिय दर्शकों, अब तो किस्सा सुनाने के लिए अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी योगियों के भेष में थी, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया।
जब उसने राज दरबार में किस्सा सुनाया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने बहुत सारा इनाम दिया। सभी योगी बोले, महाराज जब भी आपकी किस्सा सुनने की इच्छा होगी तो हम अपनी बहन को ले आया करेंगे। अब तो वह रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। इस प्रकार वह राजकुमारी रोज राजा को कहानी सुनाने के बाद में इनाम पाती तथा अपने योगी भाइयों के साथ वापस लौट जाती थी। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले वह योगी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, अब तो उन्हें राजा से ही इतना इतना धन प्राप्त हो जाता था कि कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्रिय दर्शकों, अगली रात को राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज दरबार में आई तो उसने अपने पति मंत्री और सेनापति को वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो यह सभी यहाँ पर उपस्थित है तो किस्सा सुनाने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तब राजकुमारी पर्दे की आड़ में अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने बाप से कहने लगी, है राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी और किस्सा लेकर आई हूँ। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम है तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया, बेटी तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच में से कोई दरबार में से उठकर नहीं जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब तो राजा और दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। उनमें उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी था। अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया। कहने लगी, है सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। राजकुमारी सुनाने लगी कि किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही जालिम राजा था। उस राजा को अपनी पुत्री से बहुत ज्यादा नफरत थी। जब एक दिन उसकी यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे को हुक्म दिया था कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी आंखें निकाल लाना और वह आंखें निकाल कर मुझे लाकर दिखाना। अब तो राजा प्रताप उसकी कहानी को सुनने के बाद में सोचने लगे, यह तो मेरा ही किस्सा है। खुश होकर के प्रताप ने उन योगियों के पास में अपनी मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से को अंत तक जरूर सुन सुनाया जाए। प्रिय दर्शकों, अब तो राजा की आंखों में पानी भर आया क्योंकि राजा प्रताप को अब तो अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप होता था। फिर राजकुमारी आगे बताने लगी, है महाराज जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसके भाई ने उस राजकुमारी को उस बहन को नहीं मारा और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस राजभवन के लिए लौट गया। अब यह जानकर के राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ। राजा मन में सोचने लगा, शायद हो सकता है आज भी मेरी बेटी जिंदा हो। इधर वही राजकुमारी अपने किस्से को सुनाती हुई आगे बोली, जब उसका भाई उस लड़की को जंगल में छोड़ आया तब वह बेचारी भूख प्यासी इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल फूल खा लिया करती थी। इसी तरह से वह अपने आप को जीवित रखती थी। इस प्रकार से जंगल में रहते रहते उस बेटी के तन पर एक भी वस्त्र साबुत नहीं बचा। तो कहीं से एक दिन घूमता हुआ घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वह आदमी किसी देश का राजा था। उसकी नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वह लड़की निर्वस्त्र थी। उस राजा ने लड़की को अपना बदन ढकने के लिए अपनी चादर दे दी और वहाँ से उसे अपने नगर बुला ले गया और बिना कुछ जाने राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। प्रिय दर्शकों, रानी ऐसा किस्सा सुना रही थी। किस्से के बीच में अपनी कहानी को सुनकर राजा चंद्रभान समझ गया कि यह तो उसका ही किस्सा है। उसने भी खुश होकर के एक मोतियों की माला जोगियों के पास फेंक दी और बोला, यह किस्सा जारी रखा जाए और यह किस्सा अंत तक होना चाहिए। तब आगे राजकुमारी कहने लगी, अब तो वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद में उस लड़की की कोख से दो बेटों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी घटना पूछी कि तुम कौन हो और उस जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने बाप की करतूतें अपने पति को बताई।
यह सुनकर उसका पति बड़ा दुखी हुआ। उसका पति दिल का बहुत अच्छा इंसान था। यह जानकर कि उसकी पत्नी का एक राजा पिता भी है, तो उसे उसके पिता से मिलाने के लिए उस राजा ने अगले दिन तैयारी की, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयना जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उसके साथ भेज दिया, और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कहते हैं चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन, जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ भेजना नहीं चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए। चाहे वह कितना ही वफादार और विश्वास पात्र हो, मगर जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास धरा रह जाता है। और स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वह अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है या ठहरती है तो उसके मन में काम रूपी विचार आ ही जाता है। भूलकर भी कभी अपनी बहन बेटी किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो, अकेला हो। कहते हैं स्त्री धन और विद्या, यह जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। राजकुमारी इधर राजा प्रताप के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी। राजा प्रताप और राजा चंद्रभान उस किस्से को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी आगे कहती है कि उधर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर ज्यादा लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बराबर में लगवाया। रानी ने इसका बहुत विरोध किया पर वह नहीं माना। तो रात्रि के समय में मंत्री ने उस राजकुमारी के साथ में दुष्कर्म करने की सोची। राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी वह दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने राजा के बेटे का भी ककर दिया। जब बेटे का कत्ल कर डाला तो रानी अपना धर्म बचाने के लिए मंत्री से वाहना बनाकर जंगल में भाग गई। रात उसने जंगल में गुजार कर जैसे तैसे उस बेचारी ने अपने पतिव्रत धर्म को बचाया। जब दूसरे दिन को रानी अपने डेरे में वापस आई तो उसे अपने बेटे की लाश भी नहीं मिली। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी तो उधर मंत्री के होश खराब होते जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे के वह मंत्री भी बहाना बनाते हुए राजा के दरबार से उठकर जाना चाहता था, तो राजा ने तुरंत ही उसे डांट कर बैठा दिया। तब रानी आगे सुनाने लगी। अब दूसरे दिन को जब वह वहाँ से आगे को चले और एक जगह रास्ते में फिर डेरा तंबू लगाए तो उस राज सेनापति डेरे में घुसकर दुष्कर्म की लालसा से रानी के पास जा पहुँचा। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकार कर समझाया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन वह दुष्ट लौटने को तैयार नहीं हुआ। रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। यह कहानी सुनकर सेनापति भी घबराने लगा, सोचने लगा यह तो मेरा भेद खुल रहा है। वह भी उठकर भागने को हुआ तो राजा ने डांट कर उसे भी बैठा दिया। राजा चंद्रभान ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही क्या? सेनापति भी अपना मुंह लटका कर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। वह गलत धाव लेकर रानी के पास बढ़ता गया तो उसी समय पर किसी ना किसी प्रकार से वह राजकुमारी अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग निकली और वहाँ से एक नदी में कूद गई। लेकिन उसकी किस्मत ने वहाँ पर उसका साथ नहीं दिया। वह बेचारी जिंदा बच गई। उस नदी में बहते बहते वह चली गई और जंगल के दूसरे छोर पर 6 योगियों के हते चढ़ गए और सन्यासियों ने भी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरुजी ने उन सन्यासियों से यह पाप होने से बचा लिया और गुरुजी के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस राजकुमारी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वह भाई बहन अपने यहाँ जो राजा था उस राजा के यहाँ पर किस्सा सुनाने के लिए रोज अपनी बहन को ले जाने लगे। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में वह राजकुमारी अपना पर्दा हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर राजा प्रताप भी पहचान गए और उधर अपनी पत्नी
को देखकर राजा चंद्रभान की आंखें भर आई। पत्नी को सामने देखकर राजा चंद्रभान बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख से खाए जा रहा था। राजा चंद्रभान राजा प्रताप से आज्ञा मांगने लगा कि महाराज, मेरा मंत्री और मेरा सेनापति मेरा ही शत्रु है, इसे मैं स्वयं दंड देना चाहता हूँ। तब उसी तरह से राजा चंद्रभान ने उन दोनों के सर कलम कर दिए। पापियों को उनके करने का दंड मिल चुका था। इधर राजा प्रताप ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। बेटी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिन तक अपने पिता के घर पर रही। फिर उसके बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ उसके पिता ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विदाई की। राजा चंद्रभान अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया और हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत करने लगे। कुछ ही समय में रानी ने दो बेटों को और जन्म दिया। अब तो उनकी खोई हुई खुशी सारी वापस आ चुकी थी। प्रिय दर्शकों, भगवान अगर किसी के पक्ष में होता है तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, कोई उसे मार नहीं सकता। मृत्यु, जीवन मरण यह विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।